राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी मेघवाल, सुभाष जी मेहरिया, पूर्व मंत्री गुरचरण सिंह जी, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी, पूर्व सांसद न्याज सिंह जी, विधायक राधेश्याम जी, पूर्व विधायक ओपी महिंद्रा जी, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा जी, पूर्व सांसद श्रीचंद कृपलानी जी, हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अजयपाल सिंह जी, पंजाब अकाली दल के कौर सिंह जी, पूर्व विधायक जीत राम जी चौधरी, विधायक अभिषेक मटोरिया जी, मंच पर उपस्थित और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बंधु, मेरे दाएं बाएं बैठे हुए कार्यकर्ता महानुभाव, अपने क्षेत्र के उस छतों पे बैठे सब भाइयों बुजुर्गन, आप लोग सबको बहुत बहुत आभार। और फिर मेरे सामने बैठे हुए अपार संख्या में मेरे साथ भाई बुजुर्ग और माताएं बहने, आप लोगों ने आके आज समय बांध दिया है और उसके लिए मैं आपकी आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है कि अपने इस प्यार के कर्ज से दबा ही दिया। मैं तो कहती हूँ कि एक ऐसा कर्ज है जिसके लिए अगर मैं जिंदगी भर दौड़ती भागती रहूंगी तो भी शायद ही इस कर्ज को पूरा कर पाऊंगी। आप लोगों ने दिया है इतना प्यार, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आपका आज इस क्षेत्र से गंगानगर शुरू कर रही हूं, मेरा एक ये डिस्ट्रिक्ट बचता है, आधा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बचता है और बीकानेर संभाग 20 तारीख को खत्म हो जाता है। ये मेरा पांचवा संभाग है और ये समझिए कि करीबन 9000 किलोमीटर हम लोगों ने पिछले ढाई महीने के अंदर चलकर आज आप तक पहुंचे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि वो कहां गए। मेरे से लोग पूछते हैं कि बहुत कठिनाई हुई क्या। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि इतना प्यार मिला कि क्या मौसम था, बरसात थी कि गर्मी, ये कुछ याद नहीं है। सिर्फ इतना ही याद है कि लोगों का प्यार अपार मिला और लोगों की कठिनाई को रूबरू होने मिला, मुझे देखने को मिला कि वाकई में राजस्थान के अंदर कैसी कैसी संकटें हैं। लोगों के साथ कंधे से कंधा खड़े रहकर उनकी आंखों में देख के उनके दुख को समझने को मिला और मैं समझती हूँ कि ढाई महीने में राजस्थान के अंदर पिछले 4.5-4.5 साल के अंदर क्या हो रहा है उसका पूरा जायजा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। आज उन चीजों को लेके मैं आप लोगों के बीच में आई हूं। मैं देख रही हूं जब मैं आपके क्षेत्र की जब बात करते हैं, गुरचरण सिंह जी ने मेरे पास इतने सारे कागज दे दिए कि हमने इतना सारा काम किया वो पढ़ के बता दो। मैंने कहा कि मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको सबको मालूम है कि काम किया अपने समय में किया, इनको कुछ करने और पढ़ने की जरूरत, अगर नहीं किया होता तो इतनी संख्या में थोड़ी आते। इनका आने का मतलब है कि जो 5 साल अपने निकले थे उस 5 साल के अंदर जो काम हुए थे उससे ये सब खुश हैं, और नहीं तो इतनी संख्या में वो हमारे बीच में नहीं आते। आते क्या आप लोग? हाँ, सब लोगों को मालूम है और इसीलिए सब लोग हमारे सामने आए हुए हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं जो चल रही हूं ना उसको, उसके पीछे पीछे एक संदेश यात्रा चल रही है। मैंने देखा कि कई चीज जो लोग अपना सुलझाना चाहते हैं वो मेरे से कहते हैं कि आप अपने भाषण में इसको जरूर कह देना, जो जानते हैं कि अगर हम लोग जरूर कह देंगे तो कहीं ना कहीं से वो बात उठाई जाएगी, वो बात संदेश यात्रा में पहुंचेगी और संदेश यात्रा के दौरान वो लोग कुछ ना कुछ उसका समाधान कर देंगे। अभी मैं पिछले दिनों से बिजली पानी की समस्या के बारे में सब लोगों के बीच में बात करते हुए आ रही हूं। मैंने सब लोगों को यही कहा कि एक समस्या ऐसी है जो पूरे राजस्थान को बांधती है और वो है पीने के पानी की समस्या। यहां भी मैंने आए तो सबसे पहले मैंने पूछा
कि यहाँ तो पानी मिलता है कि नहीं, नहर का इलाका है, पानी मिलता होगा। सब लोगों ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ की पेयजल की आपूर्ति दूषित पानी से होता है। यहाँ जो पानी आता है वो पानी मुर्गियों और फैक्ट्रियों के प्रदूषण वो सब चीज लेते हुए पंजाब से यहाँ तक आता है और लोगों को जो पानी पीने को मिलता है पूरी तरह से दूषित। वैज्ञानिक जांच में जब इन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा कि जानवर के पीने लायक नहीं है, जानवर के नहाने धोने लायक नहीं है, ये छोड़ो कि आदमी उसको पीना पड़ रहा है। ये जरूरी था कि इसको जान के 4.5 साल के अंदर एक फिल्टरेशन प्लांट भी अगर लगा दिया जाता तो शायद ये पानी साफ हो जाता और आप तक ये दूषित पानी नहीं पहुंचता, तो इसका ही फायदा कितना हो जाता। पर जो 4.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। गांव के अंदर पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। हर गांव के अंदर आदमी मेरे को आके कहता है कि साहब और कुछ मत करो, सिर्फ हमें पानी पिला दो। अव्यवस्थाओं के कारण डिग्गियां सब खाली पड़ी हुई है, इस इलाके के डिग्गियों के अंदर पानी नहीं है। सब लोगों का कहना है कि हमको पानी जो पिलाएगा हम तो उसके गुलाम हो जाएंगे, ये बार बार मेरे को कहते रहते हैं। मैंने सब लोगों को याद दिलाया, ये सब लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको याद है कि मई के महीने में हमने ये नहरी क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री के रूप में किया। हम लोगों ने पंजाब से शुरू किया और सब पूरे नहरों को देखते देखते आप लोगों तक आके यहां पहुंचे थे। मुझे ये मालूम है कि नहरों की कितनी बदतर स्थिति थी। हम लोगों ने अपना पैसे का हिस्सा करीबन 400 करोड़ रुपया दिया और उसको देख के हम लोगों ने कहा जल विभाग जो है दिल्ली के अंदर कि हमको आप परमिशन दीजिए और इसका काम जल्दी चालू कराइए। उसकी परमिशन 2010 के अंदर आ चुकी है, परंतु इस सरकार तो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। उन्होंने आज दिन तक जो काम हुआ कराना चाहिए था उस काम को नहीं किया और वो काम वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, जबकि पैसा इस प्रदेश का दे दिया गया। उसके साथ साथ वहां आपके नाम पूरा जर्जर स्थिति थी कैनाल की। सब लोगों ने आपको कहा कि इसको ठीक करो क्योंकि जो पानी आना चाहिए उससे आधा पानी तो इसमें से निकल जाता है। हम लोगों ने पैसा लगाया, नहरों को ठीक करने का काम किया और उसके बाद जो उसके अंदर सिल्ट था, गंदगी थी, मट्टी थी, उसके लिए स्पेशल मशीन बना के, चाहे वो जेसीबी हो चाहे वो बूम हो, पैसा दे के उनको मंगवा के पूरे कैनाल को साफ करने का काम किया। और आप लोग सब वहां बैठे हुए सब लोगों को मालूम है कि ये काम करने में हमने कोई कोताही नहीं बरती। और पहली दफा भाइयों बहुत दिनों के बाद तेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार ने करके आप लोगों को दिया, जो काम बहुत दिन से आप लोग मन से वंचित थे। उसके साथ साथ कई इलाकों के अंदर सेम की बात चली थी कि सेम आ जाता है, सेम की वजह से हम लोगों को नुकसान हो जाता है। उन इलाकों के अंदर 5 करोड़ रुपया का अलग पैसा देके सेम की नालियां बनवा के और मशीन लगा के हम लोगों ने उस पानी को रोकने का काम किया। खाली ड्रेन को साफ करने की बात थी, ये सरकार उतना भी नहीं कर सकी और वापस वही का वही सेम आके तैयार हो गया। अब फिर से काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बना के रखी। ये तो रही पानी की बात, उसके अलग अलग आप देखेंगे कि तो बिजली की क्या हालत है। आपको सही तरीके से 8 घंटे बिजली 3 फेज की किसानों को मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? मेरे पास जो खबर है वो ये आया है कि ढाणियां तो बिल्कुल ही वंचित है। जो महिलाओं की लाइन मैंने अलग से बनाई थी वो अब 18 घंटे 20 घंटे नहीं, अब करीबन 7-8-10 घंटे तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत ज्यादा ट्रिपिंग के साथ। और जो किसानों की है वो 3 या 4 घंटे तक मिलती है, उसके अंदर भी बहुत जोरदार ट्रिपिंग होती है और उस ट्रिपिंग की वजह से किसान बहुत ही दुखी है। इसके साथ साथ मेरे को बताया कि आपके जमाने में हमको ना तो पोल के पैसे देने पड़ते थे, ना हमको तार के पैसे देने पड़ते थे, ना हमको आपका ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता था या नया ट्रांसफार्मर लेना था तो उसके भी पैसे नहीं देना पड़ता था। आज हम लोगों को ट्रांसफार्मर के पैसे तक सरकार ले रही है और अगर फूक जाता है तो 72 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर नहीं आता, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। और जब तक रिश्वत नहीं दी जाती, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, कोई ट्रांसफार्मर वापस नहीं आता। ये आज बिजली विभाग की स्थिति है। जिस बिजली विभाग को हम लोगों ने सुधारा था और DCR के अंदर आप लोगों के अंदर घूम घूम के
करंट तार में नहीं आता, अब करंट आ रहा है बिलों के अंदर, क्योंकि वो बिल जो 2000 रुपए होना चाहिए था वो 20,000 या 2,00,000 रुपए हो जाता है, 3 और 4 लाख तक बिल गया है। और वहां के किसान हाथ सिर पकड़ के बोलते हैं कि हमें बताओ हम क्या करें, ये तो VCR के मारे हमको तो मारे जा रहे हैं। मैंने सबको कह दिया है और उनको भी वार्निंग दे दी है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा अगर गड़बड़ मिली, और अगर जो लोगों के पैसे उन लोगों ने लिए हैं अगर उसमें गड़बड़ मिली तो वो पैसे इंक्वायरी के बाद जनता गरीब जनता को वापस दे दी जाएगी। ये दंड उन लोगों को होगा और गरीब लोगों को जो जिनका पैसा लूटा गया है वो पैसा वापस उन लोगों के पास जाने का काम हम लोग कराएंगे। ढाणियों के अंदर बिजली नहीं पहुंची है, हमने सबको ये कह दिया कि 300 ढाणियों का जो ग्रुप होता है वो क्लस्टर के अंदर हम लोग बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। पहले भी करने की बात थी, पूरा नहीं कर सके थे क्योंकि सरकार चली गई थी, परंतु उसको भी पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं किसानों की बात आप लोगों को कहना चाहती हूं, आज जो किसान कितना दुखी है, वो किसान अपने खेत में ना बिजली पा सकता है ना पानी पाता है, आज उसके खाद और बीज महंगा तो हो ही गया है परंतु साथ साथ नकली भी है। आज हमारे समय के आपको जो DAP मिलता था और यूरिया मिलता था वो कौन से दाम में मिलता था और आज क्या मिलता है। मुझे याद है कि हमारे टाइम में DAP शायद 485 रुपए का मिलता था और आज शायद वो 1200-1300 तक पहुंच गया है, सही है ना। और अगर DAP था तो करीबन 485 तक तो हमारे DAP था, आज वो कहां तक, 285 तक था और आज कितना हो गया है, कितना हो गया है, 500 तक पहुंच गया है, 1000। हाँ मुझे तो लगा 500 तक, यूरिया की बात कर रहे हैं, हाँ यूरिया 500 तक पहुंच गया है। और आपको मैंने मध्य प्रदेश का पता किया तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अचंभे वाली बात बताई उन लोगों ने, ये बताया मेरे को कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति उनको खरीद केंद्र बना दिया गया है और किसान को अब दूर नहीं जाना पड़ता है, अपने ही गांव के ग्राम पंचायत के अंदर जाके वो वहां ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग इन सब के दाम उसको देने की जरूरत नहीं है और पेमेंट अब उसको ऑनलाइन मिल जाता है। SMS आता है कि आपका गेहूं फलाने दिन को इतने बजे आपको उसके प्राइस दाम मिलने वाला है, आप आइए अपना पैसा ले जाइए अपना गेहूं दे जाइए, SMS पे होता है। और यहां आप देख लीजिए, मैंने पता किया तो राजस्थान का इतना बड़ा प्रदेश उसमें खाली 348 केंद्र खरीद के खोले गए थे और खरीद की क्वालिटी के ऊपर लोगों को लगातार परेशान किया जाता था कि ठीक क्वालिटी नहीं है इसलिए आपको इतने दाम नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर ये कोई बात नहीं होती थी, आज किसान को आत्महत्या के कगार पे ला के रख दिया है क्योंकि इतना दुखी करके रखा है किसानों को। मैं पूछना चाहती हूँ मेरे किसान भाइयों से कि अभी पाला पड़ा था और फसल खराबा हुआ था, ऊपर जयपुर में हमको ये बताया गया कि आप लोगों को बहुत अच्छा मुआवजे का पैकेज मिला है, क्या ये मिला आपको पैकेज, कोई पैकेज मिला नहीं मिला। मेरे बताया था कि बिजली के कम दाम और अच्छे पैसे हम किसानों को दे रहे हैं, एक अच्छा सा पैकेज हमने बना के दिया है, परंतु मुझे मालूम है कांग्रेस कहती एक चीज है और करती बिल्कुल ही दूसरा है। ये अगर आप देख लेंगे तो मैंने अभी कागज उठा के देखा था कौन सी घोषणा इन्होंने घोषणाएं की और कौन सी घोषणाएं पूरी की, तो मैंने देखा कि बिजली की दरें नई बढ़े के बढ़ाने की घोषणा की और आप सबको मालूम है कि बिजली कितने बार बढ़ी है, 7 बार बढ़ चुकी है, 7 बार 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा, 24 घंटे मिल रही है आप लोगों को, किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिल गई आपको, सबको मिली नहीं मिली। आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को वेस्टलैंड का आवंटन मिला आपको, कहीं भी वेस्टलैंड कोई भी गरीब किसानों को कहीं मिला आपको उसके बारे में मालूम पड़ा क्या? हाँ मुझे मालूम है कि एक गरीब किसान को जरूर मिला, वो है रॉबर्ट वाड्रा, नाम सुना है, तो बेचारा गरीब किसान आया था और बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सरकार से झोली फैला के मांग के गया और सरकार ने उसकी झोली भर दी, जितनी जमीन चाहिए थी उसको मिल गया, उसने वो जमीन सस्ते दाम पे लिए,
और अच्छे तगड़े दाम पे बेचे और अपना पूरा प्रॉफिट लेके आराम से वापस घर चला गया, ये तो आफ्टर ऑल देश का दामाद था, इसके लिए हो सकता था। परंतु हमारा गरीब किसान जब जाता है और मांगता है कि हमको 2 बीघा जमीन दे दो कि हम अपनी जीवनी करा सकें, उस गरीब किसान को उसकी जमीन का हक नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, कैसी सरकार है ये? कैसी सरकार है? भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त, हर चीज के अंदर पैसा बना रही है। जो सरकार का पैसा नहीं है, जो आपकी जनता का पैसा है, उस जनता को पैसे को अपने जेब में डालने का काम कर रही है, चाहे वो किसी भी, आप दिल्ली की बात मैं नहीं कर रही हूं, परंतु यहां किसी भी तरीके से पैसे को छोड़ना नहीं है। आप देखिए कि आपके महानरेगा के अंदर भी 13,000 करोड़ का घपला, कितना 13,000 करोड़ का घपला। और आपको याद है कि ये वही महानरेगा है जिस महानरेगा के अंदर राजस्थान नंबर 1 था हमारे सरकार के टाइम में, 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी, सबको उसके 100 रुपए मिलते थे, पूरी की पूरी तनख्वाह मिलती थी, और वो 26 लाख लोगों ने हम लोगों के साथ मिलकर राजस्थान का पूरा पूरा ढांचा बना के रखा, पूरी परिसंपत्तियां बनाई, वो परिसंपत्तियां हमारे 26 लाख लोगों ने बनाया। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूं कि मैं उनकी आभारी हूं, वो हमारे साथ साझेदार थे जिन्होंने मिलकर राजस्थान को विकसित बनाने का काम हमारे साथ मिलकर किया। मैं उनको आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज उन लोग किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और जब मैं पूछती हूं उसके बारे में तो लोग मुझे कहते हैं कि मनरेगा के मुश्किल से 1 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है, और वो भी उनको पूरा पैसा मिलता नहीं है, वो दर दर भटकते हैं, उनको नाम उनका नाम लिखा नहीं जाता, और कई जगह के ऊपर महीने निकल गए और वो आपका काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आज मैं ये पता करने के लिए आप लोगों के बीच में निकली थी, सुबह पढ़ रही थी, मुख्यमंत्री जी का एक बहुत सुंदर सा स्टेटमेंट आया था। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है, हाँ कमी है डॉक्टर की, कमी है टीचर की, पर यह तो कमी होती रहती है, इसमें काहे की चिंता है, प्रदेश के अंदर तो लगातार कमी होती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, उनने तैयारी की है टीचर बनने की, उनने तैयारी की है डॉक्टर बनने की, अगर हमारे समय में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया था, तो ये सरकार क्यों नहीं अपने बच्चों को नौकरी का इंतजाम कर सकती है? क्यों ऐसी ऐसी परीक्षा खड़ी कर देती है जिन परीक्षाओं के द्वारा अपने बच्चों को घर बिठाने का काम कर देती है? मैं सबको कह देती हूं, मैं संकल्पबद्ध हूं, मेरे बच्चों को मैं काम दिलवाऊंगी, 10 लाख लोगों को अगले 5 साल के अंदर भी नौकरी मिलेगी, और उनको इस तरीके से घोषणा पत्र के अंदर नहीं परंतु वाकई में नौकरी दिलवा के मैं छोड़ूंगी। जो मुख्यमंत्री कहता है कि हाँ ये तो चलता है, ऐसा मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का मौका ही नहीं हम लोगों को देना चाहिए, उतार के ये कह देना चाहिए कि कांग्रेस ने जो राज किया है उस कांग्रेस के राज की वजह से राजस्थान बीमारू प्रदेश बना। आप लोग सब जानते हैं कि जब 2003 के अंदर आपने हमको प्रदेश संभाला, वो प्रदेश बीमारू कहलाया जाता था, वो प्रदेश बिल्कुल गड्ढे में पड़ा हुआ था, मेहनत करके हम लोगों ने गड्ढे में से निकाल के उसको खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद हर एक काम के अंदर हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की, सड़क बनाए, बिजली का काम किया, सब कुछ किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल तो हमको मिले, और अगर हम 5 साल के अंदर इतना काम कर सकते थे तो 53 साल इनको मिले। आप मेरा 5 साल निकाल लीजिए, भैरव सिंह जी का 7 साल निकाल लीजिए, तो 12 साल निकाल दोगे तो 53 साल लगातार कांग्रेस को मिले हैं, और 53 साल के अंदर अगर वो हमारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकते तो कैसी कांग्रेस, कैसी सरकार? और अगर वो सरकार से हमारे ऊपर अपना पैसा बना के अपने घर को बनाएगी तो ऐसी सरकार भी हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूं कि आगे चलने का काम तो हम अपने पैर पे खड़े होकर कर सकते हैं। मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, वो एक दूसरे को लड़ाती है, एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ी कर देती है, एक जात को दूसरे जात से लड़ाना, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाना, और हम लोगों ने सबने कह दिया है कि 36 के 36 कौम और सब मजहब एक साथ मिलकर एक परिवार के रूप में आगे बढ़ेंगे तो ये एक परिवार राजस्थान का विकास कराएगा, ये एक परिवार आगे चल के एक नया राजस्थान बनाएगा, एक ऐसा राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिलाओं को उनकी इज्जत मिल जाएगी। आज हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, अगर मेरी बेटी कहीं बाहर जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो हमारा दिल धड़कता है जब तक वो घर आती है। क्यों माता बहनें, कितना डर लगता है कि हमारी बेटी जब तक नहीं आती तो कैसा लगता है दिल के अंदर,
आज राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है। कैसे कैसे अत्याचार जयपुर जैसी जगह पे हो रहे हैं। और जब तक हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बहन अगर घर में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे परिवार को संभालने वाले सरकार के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो कोई के काम के नहीं है, किसी के काम के नहीं है। मैंने अभी अभी सब लोगों से पता करने की कोशिश की तो मैं देख रही थी एक फेसबुक पे मैसेज आया। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी मैं भी देखती हूं। फेसबुक के ऊपर एक मैसेज आया, अब ये चार महीने आ गए तो चार महीने के अंदर सब लोगों को कुंभकर्ण की नींद से जाग के रेवड़ियां बांटने का काम कर दिया। क्या चाहिए आपको, ले जाओ, जो भी चाहिए ले जाओ, और चाहिए ले जाओ, बस हमको वोट दो, ये पुरानी आदत है। तो फेसबुक में उस बच्चे ने क्या लिखा, वो लिखता है मुफ्त में लैपटॉप ले लो, वो लिखता है मुफ्त में साइकिल ले लो, मुफ्त में बिजली देने की बात भी अब कर सकते हैं, लिखता है, क्योंकि बात सही है। अब अगला बच्चा क्या है, उसके बाद कहता है लेकिन रोजगार नहीं, रोजगार नहीं देंगे हम लोग, स्वाभिमानी लोग हैं, हमको टुकड़े नहीं चाहिए, हमें दो रोजगार, हम अपने पैर पे खड़े होंगे, हम अपने स्वाभिमान, अपनी इज्जत से हमारी दो रोटी कमाएंगे, अपने परिवार को कमा के देंगे और राजस्थान को आगे ले जाने का वो काम करेंगे, हमें रोजगार दो, कहता है वो बच्चा। हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें रोजगार दो। और आखिरी लाइन में क्या कहता है, वो कहता है देश को भिखारी बनाकर हर हाथ में कटोरा थमाकर ही दम लोगे क्या। यही है, आज आप लोगों को ऊपर नहीं उठा रहे हो, सब लोगों को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हो। क्या सरकार है ये क्या सरकार है, और किस तरीके का खिलवाड़ हम लोगों के साथ कर रही है। आज मैं इसीलिए आप लोग सबसे पूछने के लिए आई हूं, ये एक आदमी नहीं कर सकता बदलाव। इस ताकत को सिर्फ एक आदमी के अंदर नहीं है, ये ताकत है तो आप सब में है। आप अपने ऊपर विश्वास करो, जिस दिन अपने आप को, अपनी ताकत को आप समझ जाओगे तो राजस्थान का ही भविष्य बदल जाएगा। मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के ये कहती हूं, आओ हम लोग साथ मिलकर चलें और राजस्थान की तकदीर बदलें। विश्वास करो अपने आप पे, एक ऐसा खुशहाल, समृद्ध, विकसित राजस्थान बनाने के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा राजस्थान बनाओ जिस राजस्थान के अंदर बच्चे खड़े हो जाए अपने पैरों पे, व्यवसायी अपने पैरों पे, फैक्ट्री लगाने वाले आए और नौकरी का काम करें और फैक्ट्री लगाए हमारे राजस्थान के अंदर। ऐसा काम हो सबके लिए, जो लोग खुश हो जाए और जिनमें सब लोग जुड़ के काम कर सके। आएंगे आप लोगों के बीच में, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे। अभी मेरे पास कोई आया, उसने बोला कि हमारे यहां मर्डर हो गया, यह केस सीबीआई को दे दो। मैंने उनको कहा कि सीबीआई अब आपके काम के लिए नहीं है, सीबीआई तो हम लोगों के लिए है, ये तो गुलाब जी को बंद करने के लिए है, ये तो वसुंधरा जी को देखने के लिए है, ये हम लोगों के लिए है, ये अपना काम नहीं करती। नैना को तंदूर में डाल के जला दिया, उसके बारे में किसी ने अभी तक केस नहीं खोला है। ऐसे कई केस है दिल्ली के अंदर जो सीबीआई के केस है, जो आज तक नहीं खुले हैं, परंतु वो हम लोगों के पीछे पड़े हैं, डराने को, धमकाने को कि ये लोग अलग हो जाएंगे तो इन लोगों को सब हम अपने कब्जे में ले लेंगे। मैं हम सबको कहना चाहती हूं, हम ऐसी चीजों से डरते नहीं है, हम तो ईश्वर के भरोसे हैं। ईश्वर ने आज तक अगर सही काम किया है तो साथ दिया है, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मैं मानती हूं कि उस ईश्वर को साक्षी मान के हम लोग सब चल पड़ेंगे, हम लोग साथ चलेंगे तो एक नए राजस्थान को बना के छोड़ेंगे। बस हिम्मत होने की जरूरत है, हिम्मत है हिम्मत। याद रखना, मैं यहां से चली जाऊंगी, कल कुछ ना कुछ और बोलेगा, रोज रोज मेरा ही जवाब देता है, मैं तो जवाब देती नहीं हूं, परंतु मैं आपको कहूंगी कि आएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, तो ऐसे समझ नहीं आना कि बस हम लोग हो गए। और याद ये भी रखना कि आप लोगों ने बहू के नाम में और बेटी के नाम पे बार बार मुझे चुंदड़ी पहनाई है, आपने प्यार दिया है और मैंने आपकी इस चुंदड़ी की इज्जत लगातार रखी है, आपको कभी नीचे देखने का मौका नहीं दिया है। और मैं इसीलिए कह रही हूं कि ये तो मेरा काम है, परंतु जिम्मेदारी आपकी भी है। जिसने चुंदड़ी पहनाई है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब समय आएगा और लोग हम लोगों के पीछे पड़ेंगे तो ढाल जैसे आप भी हमारे सामने खड़े होंगे, यह विश्वास के साथ हम लोग
मैदान के अंदर कूद पड़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी जब आपके बीच में आएंगे तो ये याद रखें और ये याद कहें मन के को कह दें कि हम लोग सब मिलके नया राजस्थान बनाएंगे। हम किसी के बातों में अब आने वाले नहीं है। हम लोग मिलके युवा महिला सब बुजुर्ग भाई सब लोग मिलके चलेंगे। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है, ये तो पैसा फेंक रहे हैं। रोज रोज 500 करोड़ आपको ये समझो कि 4 महीने में 400 करोड़ रुपया खाली एडवर्टाइजमेंट में लगेगा। ये अगर गरीबों को मिल जाता, आज उनको कह रखा है मेरे को कि इतना सारा पैसा आपको जो चाहिए वो मांग लो। मैंने कहा कि अगर ये पेंशन ही आपने 4 साल पहले दिया होता तो कितने सारे लोगों को मिल जाता। अगर आपने ये साइकिल 4 साल पहले दे दी होती तो कितने सारे लोगों को वो साइकिल मिल जाती। अगर आपने ये सब जो साड़ियां तो बांटने की जरूरत होती तो वो 100-100 दिन बाद अगर आप कर देते जैसे हमने किया था तो कितने लोगों को वो लुगड़ी और साड़ियां मिल जाती। ये 4-4.5 महीने में क्या होगा? जो यहां नहीं कर सकते और वो तब नहीं कर सकते वो आगे भी नहीं कर सकेंगे। जो 53 साल में नहीं कर सके वो आगे भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरे को आप लोगों से इतना ही कहना है, दोनों हाथ ऊपर करके तय कर लो कि राजस्थान का आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ आप लोग दोगे और वो डराएंगे और धमकाएंगे भी तो आप हिम्मत करके उसमें लग जाओगे। तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सब पूरे बच्चों को, सब पूरे माता बहनों को, सब भाइयों को और सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी, आप साथ चले एक नया राजस्थान बना के छोड़ेंगे। ये विश्वास के साथ आगे चलने का काम, और बहुत सारा प्यार माता बहने आप लोग सबको, भाइयों बुजुर्गण सब लोगों को बहुत सारा प्यार। आओ साथ चले एक नया राजस्थान बनाए।